भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह आज कुचामन दौरे पर पहुंचे, जहां गौशाला सर व सीकर जाते समय कुछ देर के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुचामन बाईपास और होटल करणी पैलेस में उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गजेंद्र सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए गलो सरकार की नाकामियों को गिनाया। यहाँ पर मंगई रात कैंप को लेकर बताया कि गलो सरकार झूठी नोटंकी करें, साथ ही सरकार रिपीट को लेकर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कुचामन से देखिए दिनेश कड़वा की एक खास रिपोर्ट। बजट की घोषणाओं की और उसके द्वारा बनाई गई योजनाओं की मैं चर्चा करूं, सरकार के संकल्प पत्र से लेकर के पिछले 5 बजट जितनी घोषणाएं की गई थी वो घोषणाएं केवल भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को नाम बदलने का कार्यक्रम मात्र बन के रहेगा। योजनाओं का धरातल पर जो प्रभाव है उसके बारे में यदि मैं टिप्पणी करूँ तो शायद वो राजनीतिक टिप्पणी ऐसा माना जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर टिप्पणी करें, नेता टिप्पणी करें तो शायद वो राजनीतिक टिप्पणी माना जाए। लेकिन आप ही सब मीडिया के बंधुओं ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर कवरेज करते हुए लिखा है, कांग्रेस पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी के से विधायक बनकर के सरकार में मंत्री, कांग्रेस पार्टी के विधायक बनकर के सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त करके मुख्यमंत्री के सलाहकार बने हुए तक के लोग, सभी लोग इन योजनाओं के धरातल पर मूर्त रूप लेने की हकीकत को विधानसभा के पटल से लेकर के विभिन्न मंचों पर बयान कर चुके हैं कि किस तरह से समाज के लोगों को उन योजनाओं का लाभ कहीं भी नहीं मिल पा रहा। इसलिए उन योजनाओं के माध्यम से यदि चुनाव वैतरणी प्राप्त करने का गहलोत साहब सपना देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना बन करके रहने वाला है। इससे आगे भी जहां कांग्रेस पार्टी के ये सभी वरिष्ठ लोग कंपटीशन दिखाते हुए एक दूसरे से आगे बढ़कर के एक कह रहे हैं कि हम बस में बैठने लायक बचेंगे, दूसरा सिटी बस तक पहुंचा है, तीसरा फॉर्चुनर तक पहुंचा है, चौथा इनोवा तक पहुंचा है, पांचवा उससे भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, और सामान्य कार्यकर्ता भी सब वरिष्ठ लोग जो मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए लोग इस तरह के कॉम्पिटिशन के साथ में बात कर रहे हैं। उसके बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री 2030 तक का सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो है ये तो मुंगेरी लाल से भी बड़े मुंगेरी लाल उसके माध्यम से बने। जहां तक राहत शिविरों का प्रश्न, देखिए ये सारे विषय, चाहे गैस का कनेक्शन के साथ सब्सिडी देने का विषय हो, चाहे मुफ्त में अनाज देने का विषय हो, या पेंशन देने का विषय हो, बिजली में छूट करने का विषय हो, इन सारे विषयों पे किसी न किसी रूप में सरकार में पहले से काम हो रहा है। उज्ज्वला कनेक्शंस जब दिए गए थे, उज्ज्वला कनेक्शंस की सूची राजस्थान में है तो कुल मिलाकर राजस्थान में 577,000 कनेक्शंस उज्ज्वला के नाम पर दिए गए। उनकी सूची राजस्थान सरकार के पास में भी है, उनकी सूची जो है डीलर्स के पास में भी है, क्योंकि ऑलरेडी 200 रुपया सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर के माध्यम से जो है वो बैंकों को मोदी सरकार दे रही है। जब वो सूची आपके पास में है तब उनको अगर 450 रुपया आपको देना भी है तो
तो आप तुरंत एक बैंक को इंस्ट्रक्शन देकर के उस सूची के लोगों को आज से देना प्रारंभ कर सकते थे, लेकिन उनको आप कैंप में बुला रहे और कैंप में बुला करके पंक्ति में खड़ा कर रहे हैं, उनको इस धूप में जो है वो परेशान कर रहे हैं। फ्री राशन देने की आपने बात की है, वो राशन मोदी जी ने 2.5 साल तक कोविड की आपदा के समय देश के 80 करोड़ लोगों को दिया था, हमने कहीं किसी को पंक्ति में बुला करके खड़ा नहीं किया। उन सब लोगों को राशन देने के लिए जिनकी सूची राज्य सरकार के पास में और राज्य सरकार के माध्यम से ही जिनको राशन दिया जा रहा था, उनको फिर कैंप में बुला करके उनका री रजिस्ट्रेशन करना। 750 रुपये जिसको पेंशन दे रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन करके और उसको अब 1000 रुपये पेंशन देंगे। ये सारे विषय इस मानसिकता के द्योतक हैं कि गरीब को इस बात का एहसास कराना कि तुम भिखारी की तरह मेरे दरवाजे पर खड़े हो गए और हम भगवान की तरह दाता की तरह तुमको दे रहे हैं। ये विषय जो है ये एहसास कराने का कार्यक्रम मात्र जो है ये जो ये राहत शिविर है। महंगाई की बात करने का अधिकार राजस्थान की सरकार के पास में नहीं है। राजस्थान की सरकार 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के चार्ज दाम जो है वो अन्य प्रांतों से महंगा वसूल कर रही, और आज नहीं पिछले 4 साल से वसूल कर रही। 10 रुपये पेट्रोल में और 8 रुपये डीजल में प्रति लीटर जो है राजस्थान की जनता के जेब से निकाले जा रहे। राजस्थान में हर महीने में 15 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकता है और लगभग 40 करोड़ लीटर डीजल बिकता है। 320 करोड़ रुपए महीने में जो है वो डीजल में और 150 करोड़ रुपए पेट्रोल में राजस्थान की सरकार जनता की जेब से लूट रही है। 470 करोड़ रुपए प्रतिमाह लूट करके पिछले 4 साल तक लूटने के बाद आप 27,000 करोड़ रुपया लोगों की जेब में से निकाल करके अब आप गैस के अंदर 450 रुपये सब्सिडी देना चाहते हो। 450 रुपये सब्सिडी और वो भी कितने कनेक्शंस पर? केवल 5,77,000 कनेक्शंस पर। 5,77,000 कनेक्शंस में से राहत शिविर में आधे लोग आएंगे, उसमें से आधे लोग भी अगर सिलेंडर सब्सिडी भराएंगे तो ये आंकड़ा कुल मिलाकर के 10-20 करोड़ रुपए का बनता है। अगर मैं 5,77,000 सभी लोग आने वाले 4 महीने में एक एक महीने रिफिल लेंगे, जो देश का ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड नहीं है, हर तीन एवरेज जो है वो 2.5-3 महीने में एक सिलेंडर रिफिल जाता है, अगर 1 महीने में भी सिलेंडर ले लेंगे तो राजस्थान की सरकार पे कुल मिलाकर के 25 करोड़ रुपए महीना और साल के कुल मिलाकर के अगले चुनाव तक जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 सिलेंडर देंगे 100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। आपने 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता के जेब से निकाले और 100 करोड़ देकर के आप राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हो। मुझे लगता है कि हम राजस्थान के लोग इतने भोले नहीं। तुष्टिकरण की नीति अपना